हेलो, आई एम डॉक्टर अनीता से श्री शंकराचार्य कॉलेज रायपुर से। आज हम आपको रिकरेंस रिलेशन के बारे में पढ़ाएंगे, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में फोर्थ यूनिट है। ये इसका डेफिनेशन है, न्यूमेरिक फंक्शन a0 a1 a2 ar द रिलेशन रिलेटिंग टू ar। जो हमारा ar है वो हमारा शो करता है रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन हमारा रिलेटेड होता है ऑल्सो कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस टाइप से हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं वैसे ही हम रिकरेंस रिलेशन को भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका हमारा जो लीनियर इक्वेशन है c0 ar c1 ar माइनस 1 c2 ar माइनस 2 k ck ar माइनस k और fr। इसमें जो हमारा c0 c1 c2 ck है ये हमारा कॉन्स्टेंट कोफिशियंट है और एफ आर हमारा वेरिएबल्स है, ठीक है। इसमें जो रिकरेंस लीनियर रिकरेंस रिलेशन होते हैं उसमें टोटल सॉल्यूशन हमको निकालने पड़ते हैं। वो टोटल सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट होमोजेनियस सॉल्यूशंस एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन किस टाइप से निकालते हैं? वी सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज जीरो। जो हमारा लीनियर रिकरेंस रिलेशन होता है उसके राइट हैंड साइड को हम जीरो पुट करते हैं और उसके बाद हम रूट्स निकालते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट। देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए राइट हैंड साइड में जो एफ आर होता है उस वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलता है उनको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको लिखते हैं टोटल ऑफ होमोजीनियस को एच से शो करते हैं, a टू दी पावर h एंड a टू दी पावर p, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड होमोजीनियस सॉल्यूशन।